कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जस्ट नाउ इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल मेरी नज़रों से गुजरा जो 3:24 पे अपलोड किया गया था, जो आपकी स्क्रीन पे मदर एंड डॉटर बुक फॉर इंटरप्टिंग प्रोसीडिंग इंसल्टिंग जज इन कोर्ट रूम। तो ये है आज की हेडिंग कि कैसे एक बूढ़ी माँ ने और उसकी लड़की ने कोर्ट रूम के अंदर जज की बेइज्जती की। किस्सा कुछ नहीं है कि एक माँ बेटी 80 साल माँ और 54 ईयर्स उसकी लड़की, दोनों गिरगांव कोर्ट जाते हैं अपने कोर्ट के मुतालिक, अपने कोर्ट केस के मुतालिक। और वहाँ पे लास्ट ट्यूसडे 13 सितंबर 2022 एट अराउंड 3:30 PM जब गिरगांव कोर्ट के जज ने इन्हें अगली डेट सुनवाई कि आपको अगले महीने आना है आपके केस के मुतालिक, और ये सुनते ही माँ बेटी का पारा आसमान पे चढ़ गया और उन्होंने जो कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही थी, दूसरे केस की प्रोसीडिंग चल रही थी, उसमें ना सिर्फ इंटरप्शन किए बल्कि कोर्ट रूम के अंदर चिल्ला चिल्ला के जज को बुरा भला कहे, और इसकी आवाज़ बाजू कोर्ट रूम तक गई और वहाँ के स्टाफ पूछने लगे कि क्या माजरा है, क्या बात हुई है जो ये दो लेडीज जोर से चिल्ला रही है। और इस तरीके से ये माँ बेटी ने कोर्ट रूम के अंदर जज साहब की बेइज्जती की। आपके स्क्रीन पे पुलिस सेडेड टू वुमेन हु वर अपसेट ओवर अ नेक्स्ट डेट ग्रांटेड बाय द एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैड एलिजिबली बार्ज इनसाइड द कोर्ट रूम एंड इंसल्टेड द जुडिशरी। तो जैसा मैंने कहा, ये जो दो औरतें थी, एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने जैसे ही इन्हें अगली डेट सुनवाई नेक्स्ट मंथ की, तो ये दोनों अपना पारा खो दिए और जुडिशरी को यानी जज को अनाप शनाप पकने लगे। जो माँ बेटी है, माँ की उम्र 80 ईयर्स है और बेटी की उम्र 52 ईयर्स है, जैसा कि मैंने 54 का नहीं 52 ईयर्स है, और ये ताड़दो के रहने वाले हैं और इनके खिलाफ 3 केस चल रहा था गिरगांव कोर्ट के अंदर, 3 केस इनके खिलाफ चल रहा था और एक केस के सिलसिले में इन्हें बुक किया गया था ट्रेसपासिंग एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय ताड़देव पुलिस, ये कहना है ऑफिसर का। जैसे ही इन्हें बताया गया कि इनकी नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग अगले महीने, ये माजरा है 12 सितंबर 2022 का, तो ये दोनों औरतें वो नाखुश थी। एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के जो डेट आई थी अगले महीने की, उससे वो नाखुश थी और उन्होंने एलिजली इंटर द कोर्ट रूम चेयर्ड बाय एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जयवंत यादव एंड एलिजली स्टार्टेड शॉटिंग, और उन्होंने कोर्ट रूम के अंदर चिल्लाना शुरू किया, जबकि हम सभी जानते हैं कि कोर्ट रूम में ना आप अपना मोबाइल यूज कर सकते हैं, ना न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और ना पैर पे पैर रख के बैठ सकते हैं। जमाई वगैरह भी अगर लेने लगेंगे, अंगड़ाई लेने लगेंगे, तो जो कोर्ट रूम के स्टाफ रहते फौरन कहते, जो पुलिसमैन रहते फौरन कहते आप बाहर चले जाइए। तो इतना सख्त कानून, इतना डिसिप्लिन है, उसके बावजूद ये माँ बेटी कोर्ट रूम में चिल्लाना चालू कर दी। आपके स्क्रीन पे देयर वाज अ जुडिशरी प्रोसीडिंग गोइंग ऑन, दे केम यानी ये दोनों लेडीज in and in started arguing with the judge and raised corruption charges against the system. ये कोर्टरूम में आ गए और ये जज से आर्गूमेंट चालू कर दिए, बहसबाजी चालू कर दिए और ये करप्शन का भी इल्ज़ाम लगा रहे थे सिस्टम के ऊपर। दे फर्दर अलेज डेट दे डू नॉट बिलीव इन जुडिशरी एंड आर नॉट अफ्रेड ऑफ कोर्ट एंड द कोर्ट इज डूइंग इनजस्टिस सेड एन ऑफिसर। ये दोनों लेडीज माँ बेटी 80 ईयर्स माँ और 52 ईयर्स बेटी, इन्होंने अनाप शनाप बकना शुरू कर दी है। ये तहरीक कहते हैं कि हमें जुडिशरी पे कोई भरोसा नहीं है,
हम कोर्ट से डरते नहीं हैं और हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, ये कहना है जो वहाँ पे अवेलेबल ऑफिसर्स थे उनका कहना है। आपके स्क्रीन पे जुडिशियल क्लर्क राजा बिन सर टैडे, उसने कंप्लेंट लॉन्च किया, लॉज कंप्लेंट विद द पुलिस। इन हिज स्टेटमेंट टैडे सेड द स्क्रीमिंग वॉज सो लाउड दैट द स्टाफर्स ऑफ अनदर कोर्ट कॉल्ड मी एंड आस्क अबाउट द शॉटिंग। ड्यू टू दिस बिहेवियर द वर्क ऑफ कोर्ट स्टॉप एंड प्रेसिज टाइम वॉज वेस्टेड। तो ये जो क्लर्क है टैडे, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर करी और उसने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि ये जो लेडीज इतना चिल्ला रही थी, उनकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि जो स्टाफ है अनदर कोर्ट रूम के, उन्होंने मुझे बुलाए और मुझसे पूछे क्या वजह है और ये चिल्लन चिल्ली क्यों हो रही है। ड्यू टू दिस बिहेवियर, इनके इस रवैये की वजह से कोर्ट का काम स्टॉप हुआ था और जो कोर्ट का कीमती वक्त है वो बर्बाद हुआ। आपके स्क्रीन पे पुलिस सेड दैट द टू वुमेन वर देन टेकन आउट ऑफ द कोर्ट रूम बट एज दे कंटिन्यूड स्क्रीमिंग। पुलिस का कहना है कि दोनों औरतों को कोर्ट रूम के बाहर लाया गया, उसके बावजूद वो चिल्ला रही थी। द अथॉरिटीज देन इन्फॉर्म द मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम। उसके बाद कोर्ट अथॉरिटीज ने मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन करके बुलाया पुलिस को और केस रजिस्टर्ड हुआ अंडर सेक्शन 353 असॉल्ट ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। बहुत ही खतरनाक एक्ट है IPC का 353। कोई भी पब्लिक सर्वेंट को अगर वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है और उसको वो काम करने से, उसकी ड्यूटी अंजाम देने से रोकते हैं, उससे मिसबिहेवियर करते हैं, तो ये एक्ट लगता है 353, बहुत ही डेंजर है। अंडर सेक्शन 228 इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो ये जज साहब बैठे थे जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए और वहाँ पे जो इन्होंने हरकत की दो लेडीज ने, तो 228 भी लग गया। 504 इंटेंशनली इंसल्टिंग अ पर्सन एंड 34 कॉमन इंटेंशन ऑफ द IPC। तो ये माँ बेटी जो तारदों में रहती है और जिन्होंने ये 12 सितंबर 2022 को जो हरकत की गिरगांव कोर्ट में, तो उनके खिलाफ डीडी मार्ग पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर हुआ है, जैसा कि ऊपर बताए हुए IPC सेक्शन के तहत। आखिर में न्यूज़पेपर में बताया गया, एन ऑफिसर सेड कंसीडरिंग द एज ऑफ द वुमेन टू वुमेन वी डिड नॉट अरेस्ट देम, वी हैव सर्व्ड देम नोटिस अंडर सेक्शन 41 ऑफ CRPC। तो आखिर में बताया गया है कि उनकी उम्र को देखते हुए, 80 और 52 साल उम्र देखते हुए, ये दोनों लेडीज को अरेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन नोटिस उनको सर्व हुआ है अंडर सेक्शन 41 ऑफ CRPC। बिलाखिर हम सिटीजन से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोर्ट का सम्मान कीजिए, इज्जत कीजिए, क्योंकि वही जरिया है आपको इंसाफ का। अगर आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, अगर MCGM में आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, पुलिस में नाइंसाफी हो रही है, कहीं भी आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, चीटिंग हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, धोखा हो रहा है और कहीं आपकी सुनवाई नहीं हो रही, तो ये कोर्ट रूम ही है जहाँ पे जाके आप अपनी केस दायर करके इंसाफ की गुहार लगा सकते हैं। और आज भी लॉ हमारे मुल्क में है। तो ये जो माँ बेटी ने, 80 ईयर्स की माँ और 52 साल की बेटी ने जो हरकत की गिरगांव कोर्ट में लास्ट ट्यूजडे, तो ये बहुत ही गलत हरकत थी और अच्छी हरकत नहीं करना चाहिए। अब इनकी जो उम्र थी, जिसकी वजह से उम्र को देखते हुए इन्हें अरेस्ट नहीं किया गया, वरना कोई दूसरा सिटीजन होता इस उम्र का नहीं होता, कोई दूसरा सिटीजन होता तो यकीन ऑन द स्पॉट अरेस्ट किया जाता। और 353 IPC बहुत डेंजर है, बहुत ही डेंजर है और काफ़ी सख्त सजा है। तो हम उम्मीद करेंगे कि सिटीजन कभी भी इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं करेंगे। खुदा फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द वीडियो एंड वॉन्ट मच मोर देन प्लीज डू फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द बेल आइकन बटन।